Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Shrutika Sanjay Davne. Today I'm coming up with a new video on potential differential field. But before starting up with this new video, this topic, potential differential field, is interlinked with the previous video that I made upon repertorial totality. So before going through this video, I would request you all to go through the video that I made upon repertorial totality, and I'll share the link of the same in the description below this video. So let's get started. So potential differential field is a concept interlinked with repertorial totality and conceptual image. So we should be aware of these two concepts, conceptual image and repertorial totality. So what is a conceptual image of a case? By case taking, we form the logical image of the case. सो वॉट कंसेप्चुअल इमेज हम किसको बोलते हैं कि जब हम कोई केस लेते हैं उसमें वी ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म द पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज बाई कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट पेशेंट्स अटेंडेंट्स एंड फिजिशियंस ओन ऑब्जर्वेशन दैट इज वॉट इज कंसेप्चुअल इमेज वॉट इज रेपर्टोरियल टोटैलिटी मॉडिफाइंग द टोटैलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसेप्चुअल इमेज एज पर द रेपर्टरी दैट वी आर यूजिंग मॉडिफाइड modified totality as per the repertory to be used मतलब जो repertory हम repertorization के लिए use करने वाले हैं उस repertory के philosophical background के according जो repertorial totality बनानी चाहिए हम वो repertorial totality बनाते हैं that is repertorial totality. So what is potential differential field? Potential differential short form में हम इसको PDF बोलते हैं. So the symptoms which still remain after deducting the repertorial totality from the conceptual image. ये जो हमने conceptual image case की बनाई है और इसके basis पे हमने जो repertorial totality बनाई है. So conceptual image से जो सिम्टम्स हम डिडक्ट करेंगे रेपर्टोरियल टोटैलिटी कहते हैं उसको विल गिव अस द पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड तो उसको पीडीएफ दिस इज सी आई दिस इज आर टी सो कंसेप्चुअल इमेज में जो सिम्टम्स हमें पूरे केस में मिलते हैं तो फिर हम रेपर्टोरियल टोटैलिटी बनाते हैं सो इफ दिस इज द कंसेप्चुअल इमेज ऑफ द केस देन दिस ट्रायंगल इज रेपर्टोरियल टोटैलिटी ये पूरा सर्कल क्या है कंसेप्चुअल इमेज है और ये बीच में का ट्रायंगल क्या है रेपर्टोरियल टोटैलिटी तो कंसेप्चुअल इमेज ऑफ द केस से जब हम रेपर्टोरियल टोटैलिटी को डिडक्ट करते हैं तो फिर जो सिम्टम्स उसके बाद बचते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड कहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड में कौन से सिम्टम्स आएंगे जो जो कि फाइनर जनरल सिम्टम्स हैं या स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं फॉर एग्जाम्पल वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ potential differential field that can be thermals whether the patient is hot or chilly whether the patient is hot or chilly the desires aversion thirst मतलब जो भी symptom हम repertorial totality में नहीं डाल रहे हैं that all symptoms come under potential differential field तो उसमें थर्मल्स आएगा डिज़ायर्स क्रेविंग अवर्जन आएगा या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशंस विच इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड वेल इन द रेपर्टरी कोई ऐसा सिम्टम होगा कोई ऐसा सेंसेशन होगा कुछ भी हो सकता है वो सिम्टम तो जो हमें रेपर्टोरियल टोटैलिटी में या फिर रेपर्टरी में नहीं मिल रहा है दैट सिम्टम विल कम अंडर पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड सो वॉट इज़ द यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड पीडीएफ helps in the differentiation and finalization
finalization of the remedy among the group of medicines obtained by रेपर्टराइजेशन. सो वॉट इज पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड? पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड में वो सारे सिम्टम्स आते हैं जो हमें रेपर्टरी में नहीं मिलते हैं. सो वॉट इज द यूज ऑफ, वॉट इज द हेल्प दैट वी गेट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड इज, कोई भी रेपर्टराइजेशन करने के बाद कुछ चार पांच मेडिसिन आ रही है तो उसमें से हमें कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देनी है वो हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, बाय विद द हेल्प ऑफ मटीरिया मेडिका. सो दिस पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड विल हेल्प इन डिफरेंशिएशन बिटवीन द रेमेडीज दैट वी ऑब्टेन आफ्टर रेपर्टराइजेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द रेमेडी, कौन सी रेमेडी देनी है. तो पेशेंट हॉट है या चिली है वो देखेंगे, उसका डिजायर क्या है, क्रेविंग क्या है, यूरिन, थर्स्ट, परस्पिरेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ड्रीम है, पर वो हमें रेपर्टराइजेशन में नहीं मिला है, पर वो हम डिफरेंशिएशन में और फाइनलाइजेशन ऑफ द रेमेडी में हम यूज करेंगे. सो व्हाट इज द यूज ऑफ पीडीएफ? इट विल हेल्प अस इन फाइनलाइजेशन ऑफ द रेमेडी. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज. थैंक यू.